आत्मा का आत्मा के द्वारा ध्यान करता है। आत्मा का आत्मा के द्वारा का मतलब कैसे? पहले तो सविकल्प चिंतन करता है, फिर ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाता है। बस इसको वर्णन नहीं कर सकते, रूपातीत ध्यान का शब्द के द्वारा वर्णन हो सकता नहीं। पर वो पहले प्रोसेस कैसे है वो बताते हैं। इस ध्यान में पहले अपने गुणों का विचार करें, फिर सिद्धों के गुणों का भी विचार करें। पहले अपने गुणों का विचार करें, अपना आत्मा कैसा है, फिर सिद्ध का आत्मा कैसा है उसका विचार करें, फिर अपनी आत्मा, दूसरी आत्माएं तथा मुक्तात्माओं के बीच गुणकृत भेद को दूर करें, फिर भेद नष्ट कर दें। भेद नष्ट सिद्ध में, अपने में और अन्य आत्माओं में भेद किस कारण से है? इस पर्याय के कारण से भेद है। वास्तव में सिद्ध में और अपने में शुद्ध शक्ति अपेक्षा से भेद नहीं है। तो ऐसा चिंतन करना कि जैसे सिद्ध का आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है, जैसा मेरा आत्मा है वैसा ही सबका आत्मा है। इस प्रकार का चिंतन करने से सर्वात्म में समदृष्टि आती है, विकल्प नष्ट हो जाते हैं, भेद नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात परमात्मा के स्वभाव के साथ एक रूप से भावित अपने आत्मा को परमात्मा के गुणों से पूर्ण करके परमात्मा में मिला दे, परमात्मा में मिला दे। जो ध्यानी प्रमाण और नयों के द्वारा अपने आत्म स्वरूप आत्म तत्व को जानता है वह योगी बिना किसी संदेह के परमात्मा को जानता है। ये बहुत अच्छी बात कही। हमें जानने के जैसे आत्मा के द्वारा आत्मा जानना ऐसा का ना, तो जानने के लिए कौन सा गुण है? ज्ञान गुण। उस ज्ञान गुण के बहुत से अलग अलग भेद है। उसमें एक ज्ञान है नय, एक ज्ञान है प्रमाण। तो प्रमाण और नय के द्वारा अपने स्वरूप को जानना अथवा पदार्थ के स्वरूप को जानना, सिद्ध के स्वरूप को जानना और अपने स्वरूप को जानना, फिर द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, इनमें भेद करना कि द्रव्य से मैं कैसा हूं और पर्याय से कैसा, फिर जो द्रव्य से मैं हूं वैसा ही सिद्ध का आत्मा है, पर्याय मेरी बिगड़ी हुई है परंतु मैं पर्याय नहीं हूं, मैं तो द्रव्य से जैसा हूं वैसा, ऐसा करके सिद्ध में और अपने शुद्ध स्वभाव में दोनों में एकता कर देना और पर्याय दृष्टि को गौण कर देना, ये ध्यान करने की बहुत अंतिम स्टेज। एक्चुअल में ये होता नहीं है, एक्चुअल में ये हम करते नहीं है, ये होता है। ऐसा सहज चिंतन करते 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 ऐसा हो जाता है। हमको क्या करना है? हमको एक ही काम करना है, प्रमाण और नय के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप का निश्चय करना है, बस कि मैं वास्तव में कैसा हूं इसका अपने को निश्चय कर लेना है। उस निश्चय से बाकी का काम अपने आप हो जाता है। अपने को तो अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना है, अशुद्ध स्वरूप को गौण कर देना है। ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये वाणी भी मैं नहीं हूँ, ये इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ, ये जो बार बार बदलते रहते हैं ऐसे विचार भी मैं नहीं हूँ, ये जो शुभ भाव कभी आते हैं वो भी मैं नहीं हूँ, ये अशुभ भाव कभी कभी आते हैं वो भी मैं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य आत्मा हूँ, इस प्रकार का निश्चय करना ये अपना काम है। ये निश्चय जितना जितना दृढ़ होता जाता है और इस निश्चय में जितने जितने स्थिर होते जाते हैं उतना उतना ही हमें अपने स्वरूप का संवेदन होने लगता है। अपना काम तो इतना है, निश्चय करना। श्रद्धा का काम है
पहले ज्ञान का काम होता है हमेशा। ज्ञान के द्वारा पदार्थ के स्वरूप का निश्चय किया जाता है, यथावत वस्तु निर्णित हो। सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत, महाराज जी ने उस दिन श्लोक बोला था, तत् स्वार्थ व्यवसाय आत्मा कथंचित प्रमिते हि पृथक, स्वरूप संबोधन की गाथा। तो इसमें क्या क्या, जैसे वस्तु का स्वरूप है वैसे पहले अपने निर्णय कर देना, मैं ऐसा हूं, ये स्व है, ये पर, यहां तक सम्यक ज्ञान का काम। फिर उस स्वरूप के ऊपर अटल रहना कि मैं ऐसा ही हूं, अन्य स्वरूप नहीं है, अन्यथा भी नहीं है, इस प्रकार का दृढ़ अटल विश्वास है, वो सम्यक दर्शन का काम। सम्यक ज्ञान का क्या काम हो गया, अपने पदार्थ का, अपने स्वरूप का निश्चय करना, अपने और पर के स्वरूप का निश्चय करना, यहां तक सम्यक ज्ञान हो गया। फिर वो स्वरूप जैसा है उसके ऊपर विश्वास करना, दृढ़ता रखना कि ऐसा ही हो, ये किसका काम हो गया, श्रद्धा का काम हो गया, ये सम्यक दर्शन है। फिर काम चारित्र का आता है, उस स्वरूप रूप अपने आप में परिणाम करना, उसका नाम चारित्र कहलाता है, और उन परिणामों में स्थिर हो जाना उसको चारित्र कहते हैं। तीनों जब मिलते हैं तब जाकर के आत्मा बनता है, आत्मा का अनुभव तब होता है, तीनों एक साथ मिल जाते हैं। चारित्र में सभी मिल जाते हैं, ज्ञान है वो श्रद्धा को जगाता है, श्रद्धा है वो चारित्र को जगाती है, और चारित्र है वो साक्षात आत्मा है। इसलिए साधना हमेशा पहले किसकी करना, ज्ञान की करना। साधना किसकी होती है, ज्ञान की होती है, उस ज्ञान के ऊपर विश्वास करना, ये श्रद्धा का काम। वो विश्वास जब हो जाएगा तो अपने आप चारित्र में परिणत हो जाएगा। इस प्रकार से ये चिंतन करते हैं प्रमाण और नहीं के द्वारा। वो तो सिद्धांत की अपेक्षा से कहा है, सिद्धांत में ऐसा होता है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान सम्यक नहीं हो पाता है, उसमें से तीन दोष जाते नहीं है। परंतु साधना जिसको करने, सबसे पहले तो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रहता है ना, अब मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको स्वरूप को जानना पड़ेगा, सात तत्वों को जानना पड़ेगा, भगवान के स्वरूप को जानना पड़ेगा, आत्मा के स्वरूप को जानना पड़ेगा, पर ये सब कौन करेगा, ये तो ज्ञान ही करता है, ये सब काम ज्ञान का है। तो साधना प्रारंभ ज्ञान से होती है और अंत चरित्र से होता है। इसलिए कहा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कैसा है, ज्ञान और क्रिया रूप मोक्ष मार्ग है। क्रिया मतलब चारित्र, वो श्रद्धा बीच में आ गई, उसमें जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, उसके ऊपर अटल विश्वास रखना, रुचि रखना, स्वीकार करना हृदय से। एक तो हम इधर से जानते हैं, वो एक अलग बात होगी, फिर उसको दिल से स्वीकार करना कि नहीं ऐसा ही है, इसका नाम सम्यक दर्शन कहलाता है। जैसे मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, इस प्रकार का जानना, ये क्या है, क्या फिर मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा ही हूं, इस प्रकार की दृढ़ता, ये क्या है, श्रद्धा दर्शन, और शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप हो जाना, ये क्या है, चारित्र। ये तीनों इस प्रकार से चलते हैं, पहले ज्ञान, फिर दर्शन, और फिर चरित्र। आकाश के आकार किंतु पौद्गलिक आकार से रहित, पूर्ण शांत, अपने स्वरूप से च्युत न होने वाले, अंत के शरीर से कुछ कम, अपने घनीभूत प्रदेशों से स्थिर, लोक के अग्रभाग में विराजमान, कल्याण रूप, राग रहित,
और पुरुषाकार होकर भी अमूर्त सिद्ध परमेष्टि का चिंतन करें। सिद्ध परमेष्टि का चिंतन इस प्रकार से फिर करना है, अपने स्वरूप का निश्चय करना पहले और फिर सिद्धों का चिंतन करना। वो कैसे हैं? आकाश के आकार किंतु पौद्गलिक आकार से रहित। आकार कैसा है उनका? आकाश का आकार। आकाश कैसा है? निराकार। परंतु ऐसे ऐसे आप उसकी रेखा बनाओ अपनी, तो है तो सब आकाश ही, परंतु आकाश के जितने प्रदेश में वो बना वो क्या हो गया? अपना आकार हो गया। प्रदेश तो होते हैं वो आत्मा के ही। जी जम जाता है मतलब हाँ अब ऐसा होता है कि आत्मा ऊपर चले जाते। आत्मा होता है कोई पुद्गल चिपकाने वाला हो तो जमे ना, यहाँ तो कोई पुद्गलिक वस्तु तो है नहीं, अमूर्त आत्म प्रदेश मात्र रह जाते हैं और वो आकाश और सबके साथ एक में खो करके वहां पर रहते हैं। यहाँ जैसे आत्माएं बहुत सारी हैं, यहाँ एक सिद्ध आत्मा है ऐसा मानो, अब अपने को दिखेगी नहीं क्योंकि वो आकाश, परंतु इतने आकार में है, यहाँ सिद्ध आत्मा विराजमान, बस इस प्रकार से है। हाँ हाँ, वो तो तनुवात वलय के सबसे ऊपर चोट, वहां पर उनके ये अग्रभाग है, वो अग्रभाग है उनको स्पर्श करता है, बाकी नीचे का तो वो आकाश में ही है, पर वो भी कोई दिखता नहीं है, वो भी अरूपी ही है, वो भी अरूपी, क्योंकि इसके आगे भी क्या है? आकाशी। ये लोकाकाश है, वो अलोकाकाश है, वो भी आकाश, उसके आगे जाता नहीं है। इसका हम देखने जाएंगे तो वहां को ऐसे लटकते हुए दिखेंगे, ये तो केवल केवल ज्ञान के द्वारा ही उनका ज्ञान होता है। और ज्ञान होता है का मतलब अपन ये कहते केवल ज्ञानी देखते हैं, तो हम देखने का अर्थ क्या समझते हैं? देखने का अर्थ हमको जैसे ये दिखता है, ये वस्तु दिखती है, वस्तु दिखती, उसको हम देखना मानते हैं। तो केवल ज्ञानी को आत्मा ऐसा दिखता, ज्ञान का अर्थ होता है वस्तु मूर्त हो अथवा अमूर्त हो, जैसी हो वैसे उसके स्वरूप को ग्रहण करना, उसका नाम ज्ञान कहलाता है। स्वरूप को ग्रहण करना ज्ञान है, उसके आकार को ग्रहण करना ऐसा कहा नहीं है, अथवा उसके रूप को, उसके रंग को ऐसा नहीं है। अगर रूप होगा तो वो रूप को भी ग्रहण करेगा, और उस पदार्थ का रूप नहीं है तो बिना रूप के भी उसको जैसा है वैसा ग्रहण करता है, इसको ज्ञान कहते हैं। अमूर्त का भी वो अपना आत्मा भी ग्रहण करता है कि नहीं करता है, और उस फील भी करता है। अपन बहुत गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा कैसा है? कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कुछ भी नहीं, परंतु अपने को पता चलता कि नहीं चलता कि हमें गुस्सा आ गया? किसने पता लगाया? ज्ञान ने बताया, हमारे ज्ञान, हमारे आत्मा जानती है गुस्सा क्या, अमूर्त वस्तु है गुस्सा, फिर भी हमने इसको जाना कि नहीं जाना। ऐसे ये सब अमूर्त वस्तुएं हैं, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकार है, फिर भी हमारा ज्ञान उनको जानता है, यही तो ज्ञान की विशेषता है। बाकी केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष देखता है, इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो रूप, जो रूप नहीं है उसको भी वो रूप बना करके देखता होगा, उसको आत्माएं लटकती हुई दिखती होंगी, ऐसा नहीं, उनकी तो आंखें ही नहीं है, कहां से दिखेगी? ज्ञान चक्षु से वो देखते हैं। इंटरेस्ट नहीं है वो, बराबर है। जब तक इंटरेस्ट रहता है तब तक उनको केवल ज्ञान होता नहीं, नहीं, नहीं। दूसरों को देखने का इंटरेस्ट लेना नहीं चाहिए। पूर्ण है फिर कैसे वो? अपने आप में पूर्ण है सिद्ध का और शांत है, किसी प्रकार का कोई उसमें आकुलता का कुलता नहीं, अपने स्वरूप से च्युत न होने वाला, अपने स्वरूप से कभी भी च्युत, अब जैसा स्वरूप उसका हो गया अनंत चतुष्टयमय, वो अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला है। अंत के शरीर से कुछ कम अपने घनीभूत प्रदेशों में स्थित, अंत के शरीर से कुछ कम, क्यों? क्योंकि जो गैप होते हैं वो निकल जाते हैं, जैसे अपना
पूरा शरीर प्रमाण है, नाक में गैप है और फिर शरीर में भी कितने सारे गैप, वो निकल जाता है, इसलिए लगभग एक तिहाई भाग नष्ट हो जाता है। लोक के अग्रभाग में विराजमान है, कल्याण रूप है, कैसा है वो, सब कुछ हो गया कल्याण, राग रहित और पुरुषाकार होकर भी अमूर्त, पुरुष के आकार का है परंतु है कैसा, अमूर्त, सिद्ध परमेष्टि का चिंतन करें, ऐसे सिद्ध का चिंतन करना चाहिए। जिसमें से मोम निकल गया है ऐसी मुशिका के उदर में जैसा आकाश का आकार रहता है, तदाकार सिद्ध परमात्मा का ध्यान करें। कई कई मंदिरों में सिद्ध का बनाते, पता है, ऐसा बना करके फिर ऐसे आकर उसमें से वो निकाल देते हैं तो वो सिद्ध हो गए, ऐसे ध्यान करना। हमको क्या है कि हम स्थूल बुद्धि वाले हैं, हमको कुछ न कुछ अवलंबन चाहिए, ऐसे अवलंबन ले सकते हैं। समस्त अवयवों से पूर्ण और समस्त लक्षणों से लक्षित तथा निर्मल दर्पण में पड़ते हुए प्रतिबिंब के समान प्रभाव वाले परमात्मा का चिंतन करें। समस्त अवयवों से पूर्ण का मतलब गुण, अवयव मतलब अंग नहीं समझना, समस्त गुणों से जो पूर्ण है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास के वश से जिसे परमात्मा के स्वरूप का निश्चय हो गया, ऐसा ध्यानी स्वप्नादि अवस्था में भी उसी परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। फिर सपने में भी भगवान आते हैं, सिद्ध प्रवेश के अपनों ने भरतेश चरित्र में आता था, भरत जी सो जाते थे, अभी थोड़ी देर तो क्या है उनकी पत्नी के साथ वो रहते हैं, बातें करते हैं, फिर थोड़ी देर में उनको नींद आ जाती है, तो उनकी पत्नी को तो सपने में भरत जी आते, भरत जी को सपने में सिद्ध आते ऐसा होता। ये ज्ञानियों के लक्षण होते हैं क्योंकि उनके अंतरंग स्मरण वो ही रहता है, जब तक वो बाहर है तब तक उनको वो सब चीजें, उनके वो राग वगैरह ये सब रहता है, अंदर स्वप्नादि में इस प्रकार के विकार आते हैं क्योंकि अंतरंग वासनाएं नष्ट कर दी है। और जिनको स्वप्नादि में भी यही आता है उसको समझना कि अभी उसमें बहुत विकार है, ज्ञान नहीं है ऐसा सर्वथा नहीं है, परंतु भी आत्मा अंदर से भी विकारी रह गई है। क्योंकि स्वप्न कब आता है, जब हम किसी को गंभीरता से देखते हैं, गंभीरता से अनुभव करते हैं, जहाँ हमारी गंभीरता है, जहाँ हमारी एकाग्रता है, वो हमारे चित्त स्मृति के पट पर अंकित हो जाता है, बाद में उसका स्मरण होता तो वो स्वप्न आदि में आता है। परंतु महापुरुषों के, ज्ञानियों के भेद क्या रहते हैं, बाहर की वस्तु में वो उदासीन रहते हैं, भले वो भरत जी उसकी स्त्री के साथ है, भोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब ऐसे योगी की तरह सब कुछ है, परंतु फिर भी अंतरंग रुचि नहीं होने के कारण, वो तो विवस्थावश है उनका, अंतरंग रुचि इस प्रकार की नहीं होने के कारण जैसे ही नींद आती है तो वो सब चीजें नष्ट हो जाती है और वो भगवान उनके, क्योंकि अंदर तो उनको ये अंतरंग वासना नष्ट हो जाती है, उनके विकार में स्वप्न कभी आते नहीं है सामान्य रूप से, फिर पूर्व का गाढ़ उदय हो तो फिर आते हैं। इसलिए अपने को स्वप्न कैसा आता है, बार बार चिंतन कैसा रहता है, वो भी अपने को ख्याल रखना कि उससे, दैनंदिनी अपने से स्वप्नों क्यों आवे लखो, दिन में भी स्वप्न आते हैं कभी कभी, तो अप ध्यान करते हैं जे कोई तो सोता है तुरंत सपने चालू हो जाते हैं। तो ये सब हमने जो जो भी बहुत आसक्ति पूर्वक रुचि पूर्वक किया है वो सभी अपने चित्त स्मृति पर अंकित होकर के स्वप्न आदि में आता है। इसलिए संसार का कोई भी आसक्ति पूर्वक करना, व्यवस्था पूर्वक करना पड़े तो करना, नहीं चले तो नहीं, तो अपने अंदर तो यही वासना अभ्यास रहना चाहिए अपना, भगवान का स्मरण ये अच्छी भावना। तो ये स्वप्नादि में भी ऐसा ही आता है। इस प्रकार अभ्यास से परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाने, प्रत्यक्ष होने लगे,
अब सपने में भगवान दिखने लगे, समुंदर स्वामी दिखे, सब दिखे, तो क्या करना? इस प्रकार चिंतन करें। कैसा चिंतन करें? वह परमात्मा मैं हूँ, वो समुंदर स्वामी है, वो कौन है? मैं हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ मतलब कि मुझे अब कुछ जानने की इच्छा, जिसको जानने की इच्छा नहीं है ना, वो सर्वज्ञ है। यूं समझ लेना, जिसको जानने की इच्छा है वो अल्पज्ञ है, और जिसको जानने की इच्छा नहीं वो सर्वज्ञ है। हमें भी अगर सर्वज्ञ बनना है इसी भाव में यहीं पर बैठे बैठे, तो सर्व प्रकार की इच्छाओं को छोड़ दो। जानने का मतलब विषयों को स्वाद लेने का, विषयों को अनुभव करने, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये वो है, ये सब विकल्प, इन सब विकल्पों को छोड़ दो तो व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया। मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है तो क्या अज्ञान आएगा? कहां से अज्ञान? अज्ञान मतलब आकुलता। आकुलता आती कहां से? आकुलता आती वहां से कि हमको बहुत सारी चीजें जानने की इच्छा, ये भी करना, वो भी करना, ये वो। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि बहुत जानने से बस अलमति विस्तरे। अब हम अपने स्वरूप में स्थापित होते हैं, ऐसा वो लिखते हैं। निर्विकल्प समाधि करने का तो यही है कि ज्ञान की, बहुत जानने की वासना को नष्ट करना, स्वरूप का अनुसंधान करना, ज्ञान का अभ्यास जरूर करना। फिर ऐसा नहीं कि भाई अभ्यास छोड़ दो, अभ्यास जरूर करना। यहाँ बहुत जानने का अर्थ है सांसारिक विषय, वासनाएं, संसार के प्रसंग, संसार के पदार्थ, इन सबको जानने की वासना नष्ट करना। सर्वव्यापक हूं, सिद्ध हूं। सर्वव्यापक हूं मतलब सब कुछ मेरे अंदर है, सब कुछ मुझे दिखता है, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। जब अपने अलावा कुछ है ही नहीं तो हम सर्वव्यापक हो गए। अच्छा, इसमें सिद्ध दोनों है, इसमें तो मैं सिद्ध हूँ, मैं साध्य हूँ, मैं साध्य इसके बजाय तो लिख दो। साध्य के पहले मैं सिद्ध हूँ ऐसे लिखो, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, फिर मैं साध्य हूँ। साध्य मतलब थे, संसार से रहित हूँ, साध्य मतलब संसार से रहित हूँ। ये सब अलग अलग शब्द इसलिए हैं कि अलग अलग शब्द से अलग अलग भाव आते हैं। एक शब्द में अपना उपयोग टिकता नहीं है, इसलिए अलग अलग शब्दों से अपने उपयोग को टिका कर, ये सभी पर्यायवाची है, इसमें से एक ही प्रकार के भाव निकलते हैं। ऐसा चिंतन करने से ध्याता और ध्यान के भेद से रहित चिन्मात्र स्फुरायमान होता है। क्या होता है? चिन्मात्र, एक चैतन्य ज्ञान मात्र रह जाते हैं, और उस समय खटका आता है। खटका आता है मतलब विकल्प तिरोहित हो जाते हैं और एक अति आह्लाद उत्पन्न होता है। वो आह्लाद है, वो वास्तव में आत्मा का स्वरूप है। हाँ, जब तक वो आह्लाद प्राप्त नहीं होता तब तक हमको आत्मा का मतलब अपने स्वरूप का सच्चा यथार्थ में श्रद्धा होता नहीं है। चिन्मात्र कहते हैं। उस समय ध्यानी मुनि पृथक पले को दूर करके परमात्मा से ऐसे एक्य को प्राप्त होता है कि जिससे उसे भेद का भान नहीं होता, एक हो जाता है। भान के ज्ञान, भान का ज्ञान नहीं होता, भान भान लक्षण एक ही है। एक ही है भान और ज्ञान, वैसे तो एक ही शब्द है जो भी। इस प्रकार चौथे रूपातीत ध्यान का वर्णन समाप्त हुआ। भान थोड़ा ज्ञान से जरा आगे की वस्तु, भाव भान अनुभव के उसमें आता है, परंतु भान अनुभव और ज्ञान अलग अलग नहीं है। अनुभव है वो भी ज्ञान गुण की ही पर्याय है। यहां धर्म ध्यान का कथन पूर्ण होता है।
पूरा धर्म ध्यान हो गया। कितने प्रकार का धर्म ध्यान था? पहले मुख्य चार प्रकार, आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, संस्थान विचय। फिर संस्थान विचय के भी चार थे, पदस्थ, पिंडस्थ, उपस्थ, रूपाध्य। इस प्रकार से धर्म ध्यान का कथन पूर्ण। आशय यह है कि धर्म अर्थात स्वभाव की प्राप्ति ही जिसका एकमात्र लक्ष्य फल है, ऐसे कल्याणकारी धर्म ध्यान को सर्व प्रकार से उपाधेय मानकर अपने उपयोग को इसी में व्यस्त और एकाग्र रखना, बिजी कर देना अपने को धर्म ध्यान। कभी आज्ञा विचरण, कभी उपाय विचरण, कभी विपाक विचरण, कभी संस्थान विचरण, कभी पदस्थ, कभी पिंडस्थ, कभी उपस्थ, कभी उपाध्य, ऐसे अलग अलग प्रकार से अपने को इसमें बिजी रखना, व्यस्त रखना, इसी में हमारा परम श्रेय है। इस ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे हम बुद्धिपूर्वक के प्रयासों से कर सकते हैं, शेष तीन को नहीं। क्योंकि आर्त और रौद्र ध्यान तो कर्मोदय से नित्य ही अज्ञानी जीवों के सहज होते हैं, इनको प्रयास पूर्वक करना नहीं पड़ता। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करना पड़ता, कर्म का उदय होता है, सब ऑटोमेटिक होता है, दिन भर वही होता है। तथा शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान के फलस्वरूप सहज होता है, उसका पुरुषार्थ हमारे बुद्धिगम्य नहीं है, हम संकल्प पूर्वक शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते हैं। वह तो धर्म ध्यान रूपी पुरुषार्थ से सहज अपने कालानुसार होता है। कैसे होता है? धर्म ध्यान करते 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 अपना समय जब काल लब्धि आती है तो अपने आप होता, उसका पुरुषार्थ हम शुक्ल ध्यान का पुरुषार्थ, शुक्ल ध्यान मतलब निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि का पुरुषार्थ होता नहीं है। पुरुषार्थ तो सविकल्प समाधि का ही होता है। हम तो तत्व विचार कर सकते हैं, हाँ, सविकल्प समाधि के फल स्वरूप निर्विकल्प समाधि ऑटोमेटिक होती है। हम क्या कर सकते हैं? नींद नहीं आ रही है ना, नींद की गोली लेंगे, पंखा चालू करेंगे, कोई हाथ पैर दबा देगा, कोई सिर दबा देगा, ऐसा करके ये सब क्या कर रहा है? हम नींद आने के उपाय कर रहे हैं, ये सब नींद आने के। अब नींद, इन सब के फलस्वरूप नींद ऑटोमेटिक किस समय आ जाएगी कोई पता? आज तक किसी को ये पता नहीं है कि मुझे नींद कब आएगी। ऐसे ही व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में कब प्रवेश होता है उसका किसी को समय पता? तो हमको तो नींद आने का अर्थात समाधि का पूर्व तैयारी करना, तत्व चिंतन करना, भावनाओं का चिंतन करना, ये ध्यान करना, ये सब अपने करते रहना, ये सारा धर्म ध्यान है, वो सविकल्प समाधि है। तो शुक्ल ध्यान है वो, फिर वो अपने आप इसके फल स्वरूप लग जाता है। बहुत से लोग इस प्रकार से निर्विकल्प होने के लिए प्रयास करते हैं और उसमें इतने आकुल व्याकुल, ये व्याकुलता का कारण। आप निर्विकल हो, मैं निर्विकल्प शुद्ध बुद्ध, ऐसा हो थोड़ी जाता है, अंदर से अपने आप को निरीह बनाना पड़ता है, सब प्रकार की इच्छाओं से विरक्ति करनी पड़ती है, शांत होना पड़ता है, स्वरूप को समझना पड़ता है, तब जाकर के ऑटोमेटिक ये वस्तु होती है। ज्ञान से ही ध्यान की प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञान को बराबर फिट करना। इसलिए कल अपनों ने बात करी थी कि वास्तव में अभ्यास ज्ञान का होता है, ध्यान का होता नहीं। प्रैक्टिस किसकी होती है? ज्ञान की ही होती है, ध्यान तो उसके फल स्वरूप है। आप ज्ञान में जितने एकाग्र होंगे, जितने एकाग्र होंगे, जितने एकाग्र होंगे, वही तो ध्यान है, ध्यान दूसरी कोई वस्तु नहीं। अतः हमारा बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ तो इस धर्म ध्यान में ही चलता है। ऐसा सम्यक तत्व निर्णय करके हमारी बुद्धि को सदैव धर्म ध्यान रूपी साबुन से निर्मल करते रहना चाहिए। धर्म ध्यान में लगा ऐसा निर्मल बुद्धि वाले महात्माओं का उद्देश्य है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को कैसा कर दिया है? निर्मल कर दिया है। ऐसा हमको बताते हैं कि आपकी बुद्धि को निर्मल करना है तो धर्म ध्यान में लगे रहो, आत्म ध्यान और रुद्र ध्यान के निमित्तों को छोड़ो।
निमित्त से आत्म ध्यान रुद्र ध्यान होते हैं, उन निमित्तों को छोड़ो और धर्म ध्यान के निमित्तों में रहो तो ऑटोमेटिक धर्म ध्यान होता है। अब हम ध्यान के अंतिम भेद शुक्ल ध्यान की संक्षिप्त विचारणा करते हैं। यद्यपि इस ध्यान को करने की हम में वर्तमान में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए उत्तम सहनन की अनिवार्यता है जो हमारे पास नहीं है। वास्तव में परमार्थ से तो हमारे द्रव्य की तथा रूप योग्यता नहीं है, इसलिए हम शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते। उत्तम सहनन तो एक निमित्त मात्र है। वास्तव में ध्यान सहनन से नहीं होता, उपयोग की एकाग्रता से होता है, परंतु उस एकाग्रता के लिए निमित्त रूप से सहनन की आवश्यकता है। उत्तम सहनन से उत्तम ध्यान होता है यह औपचारिक कथन है। हमारे द्रव्य की तथा रूप योग्यता से उत्तम ध्यान होता है, यही पारमार्थिक रूप से सत्य कथन है। इसलिए हमें अच्छा सहनन प्राप्त करने की ओर लक्ष्य न रखकर अपनी पात्रता विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमको क्या, हमारे तो उत्तम सहनन नहीं है, इसलिए क्या करो, अनुष्ठान करो। किसका अनुष्ठान करो? उत्तम शरीर प्राप्ति का। ऐसा अनुष्ठान करने की जरूरत हमको नहीं है, हमें अपनी पात्रता बनानी चाहिए। हे भगवान, मुझे उत्तम शरीर देना ताकि मैं ध्यान कर सकूं। इसलिए क्या करना, आगे में बताया कि दूसरों की सेवा करने से बलिष्ठ शरीर प्राप्त होता है, तो सेवा करो। ऐसा करके तुम थोड़ी सेवा करनी है तुमको बलिष्ठ शरीर, वो तो अपने आप होता है। सेवा तो निष्काम भाव से करनी है, तो उत्तम सहनन प्राप्त नहीं करना हमको, तो अपना गुणों का विकास करना है। और पात्रता सम्यक सत्पुरुषार्थ से विकसित की जाती है। पात्रता कैसे? सम्यक सत्पुरुषार्थ से। अब सत्पुरुषार्थ क्या वो बताते हैं? वह सत्पुरुषार्थ है, क्या है? सम्यक रत्नत्रय की प्राप्ति और शुद्धि। और यह पुरुषार्थ वर्तमान में भी अर्थात पंचम काल में भी कर सकते हैं। रत्नत्रय की प्राप्ति तो अभी भी होती है, उसकी वृद्धि भी होती है, उसकी शुद्धि भी अभी होती है, सब पंचम काल में होता। और ये तो हम अभी कर सकते हैं, इसके लिए हमको उत्तम सहनन की जरूरत नहीं, इसी शरीर से कर सकते हैं। क्योंकि रत्नत्रय की साधना वर्तमान में भी इस भरत क्षेत्र में विद्यमान है, बस तथारूप पुरुषार्थ होना चाहिए। शेष सहनन आदि तो स्वयं हमसे आ मिलेंगे, इसके लिए स्वतंत्र पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। यद्यपि वर्तमान में शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं होते हुए भी इसका ज्ञान करने में कोई दोष नहीं, अभी तो हमारा श्रद्धा और ज्ञान निर्मल ही होगा। अतः संक्षिप्त में शुक्ल ध्यान का परिचय मात्र करते हैं। शुक्ल ध्यान को जानने में कोई दिक्कत नहीं है, जानने से कोई हमारे अंदर विकार नहीं जानेंगे। जितना अधिक जानेंगे उतना ही हमारे ज्ञान की शुद्धि होती जाती है, इसलिए शुक्ल ध्यान को जानना चाहिए। हम अभी परमात्मा नहीं बन सकते हैं, इस कारण ये थोड़ी हम परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाने, वो तो जानना ही पड़ेगा। और शुक्ल ध्यान है वो तो आठवां गुण स्थान, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, यहां तक शुक्ल ध्यान। मतलब हम शुक्ल ध्यान को नहीं जानते, इसका मतलब हमको पांच गुण स्थानों का तत्वा श्रद्धा नहीं है। पांच गुण स्थानों के बारे में हम कुछ भी जानते नहीं है, इसलिए शुक्ल ध्यान जानना जरूरी है। तत्वा श्रद्धा के लिए शुक्ल ध्यान भी जरूरी है जानना। अब शुक्ल ध्यान का वर्णन करते हैं। शुक्ल का अर्थ उज्ज्वल होता है। शुक्ल का अर्थ क्या होता है? उज्ज्वल। उज्ज्वल का अर्थ सफेद नहीं होता है, समझ रहे हैं बात? उज्ज्वल का अर्थ सफेद नहीं होता है, उज्ज्वल का अर्थ दाग रहित होता है। अब सफेद और दाग रहित में क्या अंतर है? कोई एक कपड़ा लाल है तो पूरी तरह से लाल है तो वो उज्जवल है। अब उसमें काला रंग डाल दिया तो वो क्या हो गया? उसमें दाग। कोई सफेद है, पूरी तरह से सफेद है तो वो उज्जवल है, और उसमें काला दाग पड़ गया तो वो
मलिन हो गया। ऐसे जो जिसका स्वभाव है, जो जिसका गुण है, उस गुण में दाग नहीं लगना, उसको उज्जवल कहते हैं। इसका किसी रंग से कोई संबंध नहीं है। उज्जवल से तात्पर्य कालिमा रही शुद्धता से, अर्थात कषाय कालिमा से रही अति विशुद्ध परिणामों से जो उत्पन्न होता है वह शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान की डेफिनेशन, कषाय कालिमा से रही अति विशुद्ध परिणामों से जो उत्पन्न होता है वह शुक्ल ध्यान है। यदि भी इसमें कषाय थोड़ी बहुत तो है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ नहीं, परंतु इतनी मंद है कि वो दिखता नहीं है। कैसी मंद होती है? ये कमरा भर के शक्कर है, उस शक्कर में से चाय का एक दाना डालो तो दिखता है, कहां दिखेगा उसको मिला दिया तो। ऐसे ही ये शुक्ल ध्यान के परिणाम होते हैं। अथवा शुक्ल परिणामों में चिंता निरोध होना शुक्ल ध्यान है। अथवा जहां गुण अति विशुद्ध होते, जहां कर्मों का उपशम और क्षय होता है, तथा जहां लेशा भी शुक्ल होती है, उस ध्यान को शुक्ल ध्यान कहते हैं। ये सभी शुक्ल ध्यान की परिभाषा है। यह ध्यान आठवें अपूर्व करण गुण स्थान से लेकर चौदहवें अयोग केवली गुण स्थान तक होता है। कहां तक होता है? चौदहवें गुण स्थान तक होता है। परंतु तेरहवें और चौदहवें गुण स्थान में जो शुक्ल ध्यान है, एक्चुअल में वो उपचार मात्र कहलाता, वास्तव में वहां ध्यान होता नहीं है, परंतु ध्यान का कार्य होता है, इसलिए उपचार से कहते हैं कि वो ध्यान है। ध्यान का कार्य क्या है? कर्म की निर्जरा। कर्म की निर्जरा तेरहवें के अंत में और चौदहवें के अंत में होती है, इसलिए उसको कहते हैं कि ध्यान। वास्तव में ध्यान होता वहां कोई ऐसा बुद्धिपूर्वक ऐसा नहीं होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, ऐसा होता। ध्यान का कार्य होने से उपचार से उसको क्या कहते हैं? ध्यान ऐसा कहते हैं, वास्तव में वो ध्यान औपचारिक ध्यान कहलाते हैं। दोनों ध्यान आगे के जो दोनों ध्यान है वो औपचारिक ध्यान का फल होता है। शुक्ल ध्यान के पात्र के संबंध में श्री ज्ञानानो ग्रंथ में श्री शुभचंद्राचार्य कहते हैं कि जिसका पहला वज्र ऋषभ नाराज सनन है, जो 11 अंग और 14 पूर्वों को जानने वाला है, जिसका चारित्र भी शुद्ध है, वही मुनि चारों प्रकार के शुक्ल ध्यानों को धारण करने के योग्य है। परंतु अपवाद रूप से अष्ट प्रवचन मात्रिका अर्थात 5 समिति और 3 गुप्ति मात्र का धारी ज्ञानी मुनि भी शुक्ल ध्यान कर सकता है। ये अपवाद है। इसके सभी लब्धि में ज्ञान होता है, उपयोग में ज्ञान होना, लब्धि में ज्ञान होना, दोनों अलग है। इसके भी 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान तो होता है, 5 समिति और 3 गुप्ति वाले के भी ज्ञान तो होता है, परंतु उसके लब्धि रूप है, उपयोग रूप होता, क्षयोक्षम में नहीं है, आत्मा में उसका ग्रहण है, ऐसा होता है। क्षपक श्रेणी के लिए पहला वज्र ऋषभ नाराज सहनन अनिवार्य है, परंतु उपशम श्रेणी प्रारंभ के 3 सहनन में से किसी एक से चढ़ सकते हैं। यह ध्यान भी 4 प्रकार का है। क्षपक श्रेणी चढ़ना तो पहला ही सहनन चाहिए, और उपशम श्रेणी चढ़ना तो पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से किसी भी प्रकार का सहनन हो तो हो सकता है, परंतु वर्तमान में पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं, और तीसरा भी हमारे नहीं, इसलिए हम श्रेणी चढ़ सकते नहीं। यह ध्यान भी 4 प्रकार का है। अब थोड़ा इसके भेद है, थोड़ा कठिन है, समझ ले शुक्ल ध्यान के भेद। इसके नाम ही कठिन है, नाम से ही पहले तो घबरा जाते हैं, पर इस नाम को तोड़ तोड़ करके याद करना। यह ध्यान एकत्व वितर्क विचार, अरे सॉरी, पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्काविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तथा व्यूपरत क्रिया निवर्ति, इन 4 भेद वाला है। ये 4 प्रकार है इसके। अब पहला कैसे है? पहला है पृथकत्व
वितर्क विचार। अब देखो इसमें विचार में वी बड़ी है, विचार नहीं है ये, विचार है, उसका कुछ अलग अर्थ है, अलग अलग से अर्थ बताएंगे। पृथकत्व से तात्पर्य भिन्नता से है। पहला शब्द क्या है? उसका अर्थ क्या है? अलग अलग। वितर्क से तात्पर्य श्रुत से है। वितर्क का अर्थ क्या है यहां पर? श्रुत ज्ञान। तथा विचार से तात्पर्य संक्रांति से है। हाँ, विचार से तात्पर्य योग संक्रांति से है। संक्रांति से तात्पर्य अर्थ व्यंजन तथा योग के परिवर्तन से है। इसका मतलब ये पुराना वाला है उसके अर्थ में योग है। ये पुराने वाला एडिशन है ना, नया आपने सुधार किया वो शायद इसमें नहीं है। पूरा इसमें आपको शुरू से लिखना पड़ेगा। आपके पास कौन सा? मैं बोल रहा हूँ देखो, विचार से तात्पर्य संक्रांति से, इतना ठीक है? अब योग संक्रांति ऐसा मत करो, योग को काट, ठीक है? आप तो वैसे कैसे रहेंगे? संक्रांति से है। संक्रांति से तात्पर्य, अब संक्रांति किसे कहते हैं? अर्थ व्यंजन तथा योग के परिवर्तन से है। संक्रांति से तात्पर्य अर्थ व्यंजन तथा योग के परिवर्तन से है। वो अभी नहीं लिखता, आगे आएगा। वो योग संक्रांति है मात्र, मतलब अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, तीनों अलग अलग है, पर तीनों संक्रांति, इसलिए संक्रांति तीन प्रकार की होती है। तो संक्रांति से तात्पर्य अर्थ व्यंजन तथा योग के परिवर्तन से है, इतना लिख दिया। हाँ, अब आगे आगे कुछ छेड़छाड़ नहीं, आगे में लिखा हो तो लिखना। अर्थात, अर्थात ऐसा है आपके, जहां पृथक पृथक अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति और शुद्ध जिसका आधार है वह पृथकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान है। बराबर है ये? वो काट दो, अभी बाद में आएगा, वो बाद में आएगा, वो चीज अभी उसको काट दिया जाए। अब एक बार गुजराती वाला पढ़ो शुरू से तो समझ में आएगा कि बराबर है कि नहीं। पृथकत्वनु तात्पर्य भिन्नता की छे, वितर्क એટલે શુદ્ધ તથા વિચારનું તાત્પર્ય સંક્રાંતિ થી છે। સંક્રાંતિનું તાત્પર્ય અર્થ વ્યંજન તથા યોગના પરિવર્તન થી છે। અર્થાત જ્યાં પૃથક પૃથક અર્થ વ્યંજન યોગની સંક્રાંતિ અને શુદ્ધ જેનો આધાર છે તે પૃથકત્વ વિતર્ક વિચાર શુક્લ જ્ઞાન છે। अब अपने को यो के अर्थ संक्रांति क्या है, व्यंजन संक्रांति क्या है, योग संक्रांति क्या है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। संक्रांति का अर्थ समझना, संक्रांति से क्या तात्पर्य है? परिवर्तन से। किससे है? परिवर्तन का मतलब संक्रांति होती है, और वो संक्रांति तीन प्रकार से होती है। अर्थ का परिवर्तन, अर्थ मतलब पदार्थ, व्यंजन का परिवर्तन मतलब श्रुत, और योग का मतलब मन वचन का, ये तीनों का परिवर्तन है, उसका नाम संक्रांति कहता है। अब इस शुक्ल ध्यान में क्या है, ऐसे घूमता रहता है, कभी एक पदार्थ का ध्यान करता है, कभी दूसरे पदार्थ का ध्यान करता है, कभी जीव का, कभी पुद्गल का, इस पर फिर शुद्ध भी बदलता है, कभी एक विचार पर ध्यान करता है फिर दूसरा विचार लेते हैं, तो ये शुद्ध भी बदलता है। फिर योग, कभी तो शरीर को आधार बना करके ध्यान करता है, कभी मन को आधार बना के ध्यान करता है, कभी वचन को आधार बना के,
कभी काय योग को आधार बनाता है, कभी इस प्रकार से योग को भी वो आधार बनाते बदलता रहता है। अब इसका अर्थ बताएं, अर्थ पहला अर्थ संक्रांति क्या है, अर्थ से तात्पर्य षड द्रव्यों से है, इधर बताना, अर्थ व्यंजन तथा योग के परिवर्तन से है, तो अर्थ से तात्पर्य बताएंगे, अर्थ से तात्पर्य षड द्रव्यों से है, छह पदार्थ है, कौन कौन से, जी उद्गल धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल, इनमें से किसी का भी चिंतन शुक्ल ध्यान में चलता है, अपन समझते होंगे कि शुक्ल ध्यान में तो क्या करते होंगे, मैं आत्मा हूं ऐसा रटन, ऐसा नहीं है, शुक्ल ध्यान में भी षट द्रव्यों का चिंतन चलता है, उद्गल के गुणों का चिंतन करता है, कभी आकाश के स्वरूप का चिंतन करता है, कभी काल के स्वरूप का चिंतन करता है, ये आत्मा बुद्धि पूर्वक करता है, पूर्व प्रयोगों से सब होता है। व्यंजन से तात्पर्य शुद्ध ज्ञान से है, व्यंजन से तात्पर्य किससे है, शुद्ध ज्ञान शब्द से है, हाँ ये सब अबुद्धि पूर्वक होता है, तथा योग से तात्पर्य मन वचन काय की प्रवृत्ति से है, योग से मन वचन काय की प्रवृत्ति, अब तीनों को मिला करके एक साथ, अर्थात जो ध्यान मन वचन काय तीनों योगों के आश्रय से षड द्रव्यों से किसी भी द्रव्य को विषय बनाकर, बराबर है, किसी भी द्रव्य को विषय बनाकर श्रुत ज्ञान के माध्यम से बार बार विषय को बदलते हुए, विषय को बार बार बदलते हुए, अर्थात छह द्रव्यों में से कभी किसी का और कभी किसी का ऐसे बदलते रहना, तथा उसमें भी कभी संपूर्ण द्रव्य को विषय करना, कभी एक साथ अवैध रूप से प्रमाण का विषय करता है, कभी गुण को विषय करना, कभी एक गुण को पकड़ता है, तथा कभी पर्याय को विषय करता है, और कभी पर्याय के ऊपर ही वो चिंतन करता है, इस पद्धति से होता है, अतः इसे पृथकत्व वितर्क विचार कहा जाता है। यह प्रथम पृथकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान का स्वरूप है। यह ध्यान अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय तथा उपशान कषाय इन चार गुण स्थानों में होता है, अर्थात आठवां नौवां दसवां और ग्यारहवां इन चार गुण स्थानों में होता है। अब ये ध्यान समझ में आया, इधर लिखा हो ठीक है, समझ में आया क्या होता है इसमें, दस ये ग्यारहवें गुण स्थान में भी ये ध्यान होता, उपशम श्रेणी में ये ध्यान होता है, उसमें होता क्या है, पृथकत्व वितर्क विचार, ठीक है, पृथकत्व का मतलब अलग अलग, वितर्क का मतलब शुद्ध शुद्ध ज्ञान, और विचार का मतलब अर्थ व्यंजन योगों की संक्रांति, मतलब अलग अलग प्रकार से द्रव्य का, अलग अलग प्रकार से श्रुत का, और अलग अलग प्रकार से योगों का अवलंबन लेकर के जो ध्यान किया जाता है उसको पृथकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान कहते हैं, बराबर है। अब एकत्व वितर्क, इसमें तो वितर्क का विचार लिखा है, तो इसको संधि विच्छेद कर दिया, तो एकत्व वितर्क अविचार, अविचार का मतलब अब समझ में आया, विचार का क्या मतलब था आपने, संक्रांति, अविचार का मतलब अब यहाँ बदलेगा नहीं, अब यहाँ एक ही योग होगा, एक ही वचन होगा, एक ही द्रव्य होगा, इस प्रकार से चलेगा। एकत्व से तात्पर्य एक द्रव्य से है, वितर्क से तात्पर्य श्रुत से है, तथा अविचार से तात्पर्य अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति से रहित है, अर्थात जो शुक्ल ध्यान शुद्ध ज्ञान के माध्यम से तीनों योगों में से किसी एक योग के साथ होता है तथा अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति से रहित है, वह एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान है। अब इसमें क्या होगा, जीव का अविचार नहीं लिखा है तो लिख दो, एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान
इसमें क्या होता, समझ के ये ध्यान कैसे होता है, इसमें एकत्व मतलब किसी भी एक ही द्रव्य का अवलंबन होगा। आत्मा का अवलंबन तो आत्मा का ही विचार है, पुद्गल का विचार तो पुद्गल का ही विचार है, दोनों कोई भी एक विचार होगा बस उसी में एकाग्र। दूसरा वितर्क श्रुत, एक ही श्रुत भाव होगा बस। और तीसरा इसमें किसी प्रकार के योगों की चंचलता नहीं होती, एक योग में स्थिर होता है, शरीर को स्थिर करके मनोयोग विकल्प अंतर्जल को स्थिर करके अथवा फिर मन को स्थिर करके ऐसे किसी एक योग पे ध्यान होता है। जब ध्यान होता है ना मन वचन काय का योगों में स्थिरता आती है और एक को वो आधार बनाते हैं। श्रुत में परिवर्तन नहीं होता अर्थात एक ही वचन में एकाग्र और तन्मय हुआ जाता है, अतः इसे अविचार कहते हैं। यह ध्यान 12वें क्षीण मोह गुण स्थान में होता है, ये एक ही गुण स्थान है इसका, कौन सा 12वां क्षीण मोह गुण स्थान। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, इसमें भी दो शब्द है, तीन शब्द, सूक्ष्म क्रिया और अप्रतिपाती, संधि है इसको विच्छेद कर लो। अप्रतिपाती का मतलब जिसका पतन नहीं होता है उसको अप्रतिपाती कहते हैं। सूक्ष्म काय का अवलंबन लेकर केवली जिनके जो ध्यान होता है वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान है। सूक्ष्म क्रिया तथा अप्रतिपाती होने से इसका नाम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है। यह ध्यान 13वें संयोगी केवली गुण स्थान में होता है, संयोग केवली गुण स्थान में होता है। ये सूक्ष्म काय किस प्रकार का है वो भी केवली गम्य है, क्योंकि इसमें कारण काय होता है उसी का अवलंबन लिया जाता है। जिसका पतन नहीं होता है, जहां से गिरता नहीं है उसको अप्रतिपाती कहते हैं। हाँ आगे बढ़ता जाएगा वो ध्यान, आगे बढ़ता जाएगा, नीचे नहीं आएगा, इससे आगे कहाँ 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। ये 14वें गुण स्थान में जाने के लिए है। चौथा व्युपरत क्रिया निवृत्ति, जिस ध्यान में सर्व मन वचन काय संबंधी क्रियाओं का निरोध होता है उसे व्युपरत क्रिया निवृत्ति या समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान कहते हैं। इसका दूसरा नाम समुच्छिन्न। यह 14वें अयोग केवली गुण स्थान में होता है। इसके बल से वेदनी आदि चार अघातिया कर्मों का सर्वनाश होकर के सिद्धालय गमन होता है। बस इसमें योग निरोध होता है, मन वचन काय तीनों का योग है वो निरोध हो जाता है, थोड़ी देर में देह छूट जाता है। इस ध्यान को शैलेशी अवस्था इस ध्यान में होती है। इस प्रकार देखो तो पहला शुक्ल ध्यान कहां तक, 11वें गुण स्थान का, ठीक है, दूसरा 12वें के अंत में, तीसरा 13वें के अंत में, चौथा 14वें के, बस ऐसे याद रखो। इस प्रकार ध्यान तप के अंतर्गत चार प्रकार के ध्यानों का प्रकरण समाप्त हुआ। चारों में प्रथम के दो सर्वथा हैं, शेष दो उपादेय हैं, प्रथम दो दुखे हेतु हैं तथा शेष दो परमानंद के दाता हैं। अब हमें ही तय करना है किसका आश्रय करें। ये किसको तय करना है, हमको तय करना है। इस प्रकार से इष्टोपदेश की गाथा में पूज्यपाद आचार्य कहते हैं। अब ध्यान की आगे का नेक्स्ट है, अब अंतिम एक सेशन। सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो।
जिन वाणी भारती तुर्ज को निदरे जो तेरा शरणागमे सो पावे सुख छे देव भजो अरिहंत को जिर से निर्गम दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पाते नमस्कार आत्मा संपा शांति शांति शांति।